हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका लव इंडस्ट्री यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग? तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे तीन ऐसी बातों के बारे में जिनके माध्यम से आप ये जान पाओगे कि आपके पार्टनर का प्री रिकॉर्ड क्या रहा है, यानी कि आपके पार्टनर की लाइफ में आपसे पहले कौन कौन रहा है, आपके पार्टनर ने किन किन लोगों से प्यार किया है आपसे पहले। तो पहले का रिकॉर्ड आज के इस वीडियो में आप जान पाओगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। इस वीडियो को बनाने के पीछे अपन का एक खास मकसद है, वो ये है कि आपकी ये प्रॉब्लम जो है उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाए, सॉल्व कर दिया जाए। ये प्रॉब्लम अच्छा सॉल्व होना ज़रूरी क्यों है? देखिए, अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हम ये जान जाते हैं कि हमारे पार्टनर का रिकॉर्ड क्या रहा है, तो हम इन फ्यूचर के लिए खुद को बचा भी सकते हैं। क्योंकि हो सकता है हमारे पार्टनर का रिकॉर्ड बहुत ही गंदा रहा हो, उसने कई लोगों को चीट किया हो, लेकिन हमारे सामने दावे बहुत बड़े बड़े करता हो कि नहीं, आप पहले हो, हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इस तरीके से आपसे चीट कर रहा हो, इन फ्यूचर आपको भी चीटिंग करेगा आपके भी साथ। तो ये चीज़ समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन पॉइंट्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर वन जो है उसको देखिए। देखिए पॉइंट नंबर वन जो है, इसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपके पार्टनर की लाइफ में कौन कौन रहा है या कितने लोगों से अफेयर रहा है। ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर होती हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि कीप शार्प नोटिस ऑन हिज हर ऑब्जेक्ट, ठीक है? यानी कि आपको ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको अपने पार्टनर की सारी चीज़ों पर, ठीक है, जितनी भी उसकी चीज़ें हैं, एवरीथिंग, ठीक है, सब पे एक शार्प पैनी नज़र आपको बना के रखनी है। जैसे कि सपोज करिए, मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूँ। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के बॉडी मार्क को देखें। बॉडी मार्क कहने का मतलब है कि हो सकता है आपके पार्टनर का अगर कोई अफेयर रहा हो तो उसके हाथों पे कोई निशान हो, हाथों को काटा गया हो, जलाया गया हो, या कोई और मार्क हो, या टैटू वगैरह हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप नोटिस कर सकते हैं। या फिर आप अपने पार्टनर के वॉलेट पे अगर नज़र बनाएं तो क्या पता वॉलेट में कुछ ऐसा पिक्स वगैरह मिल जाए, या फिर आप अकाउंट्स वगैरह को किसी तरीके से आपके सामने आ जाए, चेक कर सकते हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स को, प्री रिकॉर्ड, या फिर अगर प्री रिकॉर्ड डाटा डिलीट हो चुका है तो उसको रिकवर करके पता लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके आप जो है अपने पार्टनर के प्री रिकॉर्ड के बारे में पता लगा पाएंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है हार्ट ब्रोकन होप एक्सपीरियंस्ड। इन तीन टर्म्स को अच्छे से समझते हैं पहले। देखिए, अगर आपके पार्टनर की लाइफ में पहले कोई रहा है, उसको धोखा मिला है, फिर आपके पास आया है, तो इसका मतलब है उसका दिल टूटा हुआ है और ये उसकी बातों में झलकेगा। मतलब कि उसके जो भी बात होंगे, अल्फाज होगा, उसमें ये चीज़ झलकेगी कि हाँ, हार्ट ब्रोकन एक तरीके से ये है, और यहाँ से जो भी इमोशन बातें निकलेंगी उसको आप समझ पाओगे, कैप्चर कर पाओगे। क्योंकि बातों में एक तरीके से ऐसा होगा कि सारे लोग ऐसे ही होते हैं, सारे लोग धोखेबाज होते हैं, सारे लोग बेकार होते हैं, मतलब इस तरीके की बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं, तो इसको आप नोटिस करें। दूसरा है होप, यानी कि अगर आपका पार्टनर जो है प्री रिकॉर्ड में किसी के साथ रहा है, फिर आपके पास आया है, तो उसको आपसे उम्मीदें नजर आएंगी। वो इस तरीके की बातें करेगा कि मेरी तो दुनिया ख़त्म हो चुकी थी, आप मिले हो तो उम्मीद की एक किरण नज़र आई है, आप मेरी दुनिया बन गए हो इससे पहले, मतलब इस तरीके की बातें वो करेगा। इससे भी आप आइडिया ले सकते हो। यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है ये है एक्सपीरियंस्ड, यानी कि अगर आपका पार्टनर प्री रिकॉर्ड में किसी के साथ रहा है, उसका अफेयर रहा है कुछ लोगों के साथ, तो वो एक्सपीरियंस्ड होगा, उसकी चीज़ों से आप ये भाप जाओगे। वो उसकी जो भी एक्टिविटीज होंगी वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है, पहला एहसास जो है, वो हमको समझ में आता है कि हाँ, ये पहला एहसास है, उसमें कुछ आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये कुछ नया है, या फिर मतलब ये एक्सपीरियंस नहीं है। इन चीज़ों को आप नोटिस कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं, ये तो बहुत बारीकी के साथ किया जा रहा है, बहुत ही परिपक्वता के साथ किया जा रहा है। देखिए, इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के द्वारा, किताबों के द्वारा हासिल की जा सकती है, लेकिन बैक टू बैक सारी चीज़ें ऐसा हो जैसे लगे कि एक्सपीरियंस्ड इन सारी चीज़ों में है, तो ये आप मान के चलो कि आपका पार्टनर प्री रिकॉर्ड, उसका कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, डाउट है, ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, वो इतना पावरफुल है और वो बहुत लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया गया है, फिर यहाँ पे वो लाया गया है, ठीक है। इसके माध्यम से आप इजिली चुटकियों में पता लगा लोगे कि आपके पार्टनर के लाइफ में कौन रहा है, कितने लोग रहे हैं, यहाँ तक कि आप काउंटिंग भी कर सकते हो, सारी चीज़ें निकाल सकते हो। तो पॉइंट नंबर थर्ड जो है उस पर डायरेक्ट आते हैं। देखिए, कनेक्ट एंड हिट द चिल्लर पार्टी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पावरफुल टर्म है चिल्लर पार्टीज। देखिए यहाँ पे क्या है, यानी कि आपको टारगेट करना है छोटे छोटे बच्चों को। अगर आपको जानना है अपने पार्टनर के रिकॉर्ड के बारे में, तो आप टारगेट करिए छोटे छोटे बच्चों को। यहाँ पे एक इल्यूजन है, पता क्या,
हम बड़े बड़े लोगों को टारगेट करते हैं, अपने फ्रेंड्स के माध्यम से पता लगवाने की कोशिश करते हैं, या हमारे पार्टनर के फ्रेंड सर्कल में हम थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उससे जानने की कोशिश करते हैं। अगर कोई लड़की है तो उसकी फ्रेंड से, उसके सिस्टर से जानने की कोशिश करते हैं कुछ लालच दिला के। लेकिन यहाँ पे देखिए, आपको नहीं लगता कि अगर हम कुछ ऐसा करते हैं, बड़े लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, तो ये बात लीक हो सकती है, पता लग सकता है, और शायद पता भी ना चले। देखिए, एक बात ये एक्सपीरियंस में आया है कि छोटे छोटे बच्चों को इन चीज़ों के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उतनी बड़े लोगों को नहीं होती है। तो आप छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करिए, आपके पार्टनर के घर के आसपास में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आप टारगेट कर सकते हैं। किसी को भी बहला फुसला के या थोड़ा बहुत 2-4, 10, 20, 50 रुपये खर्च करेंगे ना, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप निकलवा लेंगे। और एक कमाल की बात है कि वो छोटा सा बच्चा है, किसी से कहेगा नहीं, क्योंकि उसको देखो बच्चे जो होते हैं वो कोमल होते हैं, आपने इन सब बातों के बारे में सुना है, फिलोसफी की बात बताऊंगा मैं, उनको जो भी चीज़ आप कहोगे वो सीक्रेट रखने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। इस बात को मतलब माना जा चुका है, ठीक है। सर्वे में भी सामने आया है कि बच्चे बड़ों की तुलना में ज़्यादा सीक्रेट रख पाते हैं। देखिए, ये तरीका है, या फिर आप अपने ही एक तरीके से ग्रुप में, कांटेक्ट में, आपकी फैमिली में कोई छोटा बच्चा है जो आपको भी जानता है और आपके पार्टनर को भी जानता है, तो उससे ये चीज़ जानने की कोशिश करोगे ना। ये मतलब देखिए, बच्चों को आपको दोस्त के रूप में ट्रीट करना पड़ेगा, और उसको उनके ऊपर कुछ पैसे भी आपको खर्च करने पड़ेंगे। फिर देखिए आपका काम किस तरीके चुटकियों में बनता है, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल बच्चों के पास में होती हैं। इस बात को आप करके देखिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी, निकाल के आपके टेबल पर रख देंगे वो छोटे छोटे बच्चे। तो आप चिल्लर पार्टीज को टारगेट करो, ठीक है। ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, इन सब चीज़ों में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कंप्लीट मिलेगी। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, इन तीन बातों के माध्यम से आपको समझ में आ गया। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर जरूर करेगा, ताकि वो भी प्री रिकॉर्ड के बारे में जान सकें और वो भी खुद को बचा सकें। अगर उनके पार्टनर का रिकॉर्ड गंदा रहा है तो वो भी समझ पाएंगे और खुद को सेव कर पाएंगे। और ऐसे ही पावरफुल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए चैनल का लिंक जो है, सेकेंडरी जो चैनल है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले आपको मिलेगा, जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वहाँ भी एक बहुत ही खूबसूरत वीडियोज मैंने पब्लिश किया है, जाके उसको देखिएगा ज़रूर। और वीडियो अच्छा लगा, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करिए, कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन है इसको लिखना कतई मत भूलिए। अगर आपने अभी तक लव इंटरसिटी फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको क्लिक करके फॉलो करिए। अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो फोन पे, तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिए, लव इंटरसिटी @CM4, वहाँ पे लव इंटरसिटी यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।